और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया ही रहने चाहिए। ठीक है, देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपने पास यूनिट फर्स्ट चल रही थी और वो आज फिनिश हो जाएगी। क्लियर? यूनिट फर्स्ट है जो आज फिनिश हो जाएगी, तो तुम्हारी न्यूक्लियर फिजिक्स में दो यूनिट हो जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? जो भी थोड़ा बहुत पोर्सन बचेगा उनको उसको बाद में देख लेंगे। क्लियर? कि जो फर्स्ट यूनिट में सेकेंड यूनिट में जो थोड़ा बहुत पोर्सन भी बचेगा उसको बाद में देख लेंगे। क्लियर? तो आज तुम्हारी यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो जाएगी, यूनिट सेकंड मैंने तुमको पहले ही फिनिश करा दी थी। देखिए, इसमें एक नया टॉपिक डालिए कि कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। कोष्ठक में लिख लेना प्रचक्रण, प्रचक्रण, प्रचक्रण। देखिए कि कोई भी अपने पास नाभिक है, क्या है? नाभिक है। तो उस नाभिक में क्या होता है कि उसमें नेज कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? नेज कोणीय संवेग होता है, अर्थात प्रचक्रण होता है। कि किसी भी नाभिक में नेज कोणीय संवेग होता है, अर्थात प्रचक्रण होता है। तथा जो अपने पास कोणीय संवेग होगा जे, उसके सापेक्ष जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका, वो कितना होगा? सदिश म्यू जे। कितना होगा? सदिश म्यू जे। क्या बोलोगे कि जो कोणीय संवेग अर्थात प्रचक्रण होता है कि वो नाभिक में जब होता है तो वो किस रूप में होता है? प्रचक्रण के रूप में, अर्थात उसको बोल देते हैं नेज कोणीय संवेग। जो अपने पास कोणीय संवेग होगा सदिश जे, कितना होगा? सदिश जे होगा। उसके सापेक्ष जो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका कोणीय संवेग जे का, वो कितना होगा? सदिश म्यू जे। कितना होगा? सदिश म्यू जे। क्लियर है कि जब भी अपने पास कोई भी कोणीय संवेग में जब अपन उसका मान, अपने पास मान होता है उसका, वो कितना होता है कि मापांक सदिश जे बराबर होता है अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच बार। और एच बार का जो अपने पास मान होता है, एच बार बराबर कितना होता है? एच अपॉन टू पाई। कितना होता है? एच बार बराबर एच अपॉन टू पाई। क्लियर? अब देखिए कि जब भी अपने पास जे का मान क्या है, कि जे का मान जब अपने पास, और एक होता है अपने पास एस फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? एस फॉर्म में होता है। और एस का भी मान कितना होता है? अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच बार। कितना होता है? एच बार। क्लियर? और जो एच होती है वो तो क्वांटम संख्या होती है, वो कितनी होती है? एक बटे दो होती है। कितनी होती है? एक बटे दो होती है। क्लियर बात सभी को? अब देखिए, जब अपने पास इसका मान, जब अपन ए का मान ले लेते हैं, ए का मान कितना ले लेते हैं? सम। कितना ले लेते हैं? सम। तो जब अपन जब ए का मान जब सम लेते हैं तो जो उसके मान आएंगे वो किसके रूप में आते हैं? पूर्णांक के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? पूर्णांक के रूप में। और अगर जब अपन ए का मान किस में लेते हैं? विषम में। तो जब विषम में लेंगे तो उसका मान आते हैं अर्ध पूर्णांकों के रूप में। अर्थात अर्ध पूर्णांक क्या होते हैं? कि जैसे एक बटे दो, तीन बटे दो, चार बटे पाँच, ये सभी क्या कहलाते हैं? अर्ध पूर्णांक कहलाते हैं। कि जब ए का मान सम है तो कैसे प्राप्त होंगे? पूर्णांकों के रूप में। अगर ए विषम है तो वो अर्ध पूर्णांकों के रूप में अपन को प्राप्त होते हैं। क्लियर? अगर जब ए का मान और जे के मान अगर वो 20, 28, 56, 46, ये अगर इनसे ऊपर चले जाते हैं तो उनको अपन बोलते हैं, वो संख्याएं, वो उन संख्याओं को अपन क्या बोल देते हैं? अगर इनका मान 20, 28, 23, 30 इनसे ऊपर आ जाए तो उन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को अपन मैजिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक संख्या। क्लियर है सभी को? चलिए, अब इसमें लिखिए लिखिए इसमें एक नाभिक में भी एक एक नाभिक में भी लिखिए इसमें एक नाभिक में भी नेज, एक नाभिक में भी नेज कोणीय संवेग, नेज कोणीय संवेग, एक नाभिक में भी नेज कोणीय संवेग, अर्थात 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 प्रचक्रण, अर्थात प्रचक्रण होता है, प्रचक्रण होता है। एक नाभिक में भी नेज कोणीय संवेग अर्थात प्रचक्रण होता है। इस नाभिक में कोणीय संवेग, इस
नाभिक में, इस नाभिक में कोणीय संवेग, इस नाभिक में कोणीय संवेग, इस नाभिक में कोणीय संवेग जे के संगत चुंबकीय आघूर्ण, जे के संगत चुंबकीय आघूर्ण, जे के संगत चुंबकीय आघूर्ण सदिश, जे के संगत नाभिक में लिखना, जे के संगत नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण, जे के संगत नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे भी सदिश म्यू जे भी उपस्थित होता है। क्लियर? क्या बोलोगे कि एक नाभिक में नेत्र कोणीय संवेग अर्थात प्रचक्रण होता है, इस नाभिक में कोणीय संवेग जे के संगत नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, सदिश म्यू जे भी क्या होता है, उपस्थित होता है। कोणीय संवेग के सापेक्ष क्या उपस्थित होता है, चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर? नीचे लिख देना कोणीय संवेग का पैराग्राफ चेंज करके, कोणीय संवेग का निरपेक्ष मान कितना होता है अपने पास, कोणीय संवेग का निरपेक्ष मान मैंने पहले भी बता दिया शुरू में, सदिश जे बराबर अंडर रूट j(j+1)(h̄). यहाँ लिख लेना कोष्टक में कि h बार बराबर क्या होता है, h/2π, h बार बराबर होता है h/2y। और जो अपने पास j होता है वो क्या होता है, नाभिकीय कोणीय। यहाँ लिख लेना कि जो अपने पास j होता है वो j क्या होता है, नीचे लिख लेना j नाभिकीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। क्लियर? एच बार तो क्या होता है, h/2π सभी जानते हैं, और जे होता है वो क्या होता है, नाभिकीय कोणीय संवेग की क्वांटम संख्या। क्लियर सभी को? चलिए तो नीचे लिखिए कि P तथा N में भी, नीचे लिखिए P वे N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी प्रचक्रण सदिश P वे N में भी प्रचक्रण P वे N में भी प्रचक्रण सदिश S होता है जिनके लिए प्रचक्रण क्वांटम संख्या S बराबर 1/2 होती है। तो S बराबर क्या हो गया, इसका भी मान भी S√S(s+1)(h^2). क्लियर? तो इसके लिए एक सारणी बना लीजिए यहाँ पे, कि एक साइड में तो लिख लीजिए नाभिक, और इधर साइड लिख लीजिए नाभिकीय प्रचक्रण। क्लियर? तो नीचे लिखिए इसमें कि ए सम है, तो यहाँ लिख लीजिए ए सम। तो इसके लिए पहली कंडीशन होती है
कि जब जेड क्या हो सम, जेड सम कॉमा एन भी क्या हो सम, तो उस स्थिति में इसका मान कितना आता है, जे बराबर जीरो, कितना आता है जे बराबर जीरो। तो दूसरी कंडीशन है अपने पास, अगर जब जेड विषम है, जेड विषम है तो एन भी क्या होगा विषम, तो उस स्थिति में जो जे का मान आएगा वो पूर्णांकों के रूप में आएगा, जे बराबर आएगा 1, 2, 3 कॉमा डेड। क्लियर। इसी प्रकार ए तो जब सम है उसके लिए कंडीशन है, अगर जब ए क्या है विषम, तो विषम है तो उसके लिए पहली कंडीशन होती है अपने पास कि जेड सम तो एन क्या होगा विषम, क्या होगा एन विषम, तो उसके लिए जो जे बराबर है। और दूसरी कंडीशन लिख लेना इसकी कि जब जेड क्या है विषम तो एन क्या होगा अपने पास सम, क्या होगा सम, तो उसके लिए जो जे का मान आएंगे वो कितने आएंगे, 1/2, 3/2, 5/2 उतार लीजिए। इसके नीचे लिख देना विषम ए वाले नाभिकों में, विषम ए वाले, विषम ए वाले नाभिकों में, विषम ए वाले नाभिकों में जब भी जेड या एन, जब भी जेड या एन संख्या कुछ विशेष मानो जैसे 20, 28, 50, 82, 156 को पार करती है नाभिकीय कोणीय संवेग करती है, नाभिकीय कोणीय संवेग संवेग में, नाभिकीय कोणीय संवेग में एक उछाल आता है। इन संख्याओं को मैजिक संख्या कहते हैं। मैजिक संख्या कहते हैं। ये क्या होगा तुम्हारा कोणीय संवेग अर्थात प्रयचक्र। कल्याण नोट डाउन। चलिए अगला हेडिंग डालिए पैरिटी अर्थात समता। हेडिंग डाल लीजिए पैरिटी। देखिए कि पैरिटी क्या होता है कि जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी जो स्थायी अवस्था को दर्शाने के लिए एक अपन तरंग फलन का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं।
क्या बोलोगे कि दो इलेक्ट्रॉन की स्थायी अवस्था होती है, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक तरंग फलन का अपन प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो उसमें पैरिटी में लिखिए कि किसी 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 निकाय में इलेक्ट्रॉन की किसी किसी निकाय में किसी निकाय में इलेक्ट्रॉन की किसी निकाय में इलेक्ट्रॉन की स्थायी अवस्था को इलेक्ट्रॉन की स्थायी अवस्था को स्थायी अवस्था को स्थायी अवस्था को एक अवस्था फलन स्थायी अवस्था को एक एक अवस्था फलन एक अवस्था फलन या तरंग फलन या तरंग फलन को एक अवस्था फलन या एक तरंग फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अपने पास कितना हो जाएगा साई बराबर x, y, z। क्लियर? तो नीचे लिख दीजिए यहाँ x बराबर -x, y बराबर -y और z बराबर क्या है -z। तो अपने पास कितना आ जाएगा साई का मान कि साई बराबर कितना आ जाएगा बताइए मेरे पास कि साई बराबर कितना आ जाएगा भाई x का मान किसके बराबर है -x, y का मान -y और z का मान -z है -z। तो अपने पास जब इन दोनों को इक्वल करूंगा तो कितना हो जाएगा साई x y z बराबर कितना हो जाएगा साई -x -y और -z। क्लियर? इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना या ऐसे कर लेना इसका इक्वेशन नंबर टू और इसका इक्वेशन नंबर टू। तो इसे ना लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर? तो अपने पास जब इसका मान मैं निकालूंगा तो इसका जब मैं पक्षांतर करके लिखूंगा तो इसका मान कितने यदि नीचे लिख देना यदि साई एक्स वाई जेड बराबर माइनस साई कितना हो जाएगा -x, -y, -z। इसका समीकरण नंबर तीन डाल देना। नीचे लिखिए समीकरण दो को पैरिटी रूपांतरण कहते हैं जिन तरंग फलनों के लिए समीकरण तीन सत्य है उन्हें सम पैरिटी वाले तरंग फलन तथा जिन तरंग फलनों के लिए
जिन तरंग फलनों के लिए समीकरण चार सत्य है विषम पैरिटी वाले तरंग फलन कहलाते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर कि p बराबर क्या हो जाएगा +1 और एक हो जाएगा p बराबर -1। तो प्लस वाला तो क्या रहेगा सम पैरिटी वाला और माइनस वाला कैसा रहेगा विषम पैरिटी। ये क्या हो गई तुम्हारी पैरिटी अर्थात समता हो गई। क्लियर कि भाई जिनके लिए जो अपने पास जो समीकरण 3 है वो अगर समीकरण 2 को तो अपन क्या बोल देते हैं पैरिटी रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। अगर दिन तरंग फलनों के लिए समीकरण 3 सत्य है वो कौन से कहलाते हैं सम पैरिटी वाले। समीकरण 3 क्या है ये है। अगर p बराबर क्या है +1 है तो वो कौन सी पैरिटी वाले कहलाएंगे सम पैरिटी वाले। अगर p का मान नेगेटिव है तो वह कैसे कहलाते हैं विषम पैरिटी वाले कहलाते हैं। क्लियर है सभी को पैरिटी कोणीय संवेग प्रचक्रण क्या होता है पैरिटी क्या होता है दोनों बातें क्लियर हो गई। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिया चलिए। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक डालिए नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या एक के साथ परिवर्तन। नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या ए के साथ परिवर्तन। देखिए इसमें कि हार्पस्टेडर प्रयोग से प्राप्त रो आर के द्वारा एक नाभिक की त्रिज्या का मान निम्न सूत्र से देते हैं। कि देखिए अपने पास एक हार्पस्टेडर प्रयोग होता है जिसमें जो रो आर का मान आता है वो ही अपने पास जो नाभिक की त्रिज्या का है वो क्या करता है डिनोट करता है। क्लियर। और वो अपने पास सूत्र क्या होता है कि आर बराबर होता है अपने पास 1 अपॉन जेड ई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू रो और कितना होता है आर और 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। जो सूत्र होता है हार्पस्टेडर प्रयोग के द्वारा जो रो आर के द्वारा नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करते हैं वो निम्न सूत्र से दी जाती है। कौन से सूत्र से इस सूत्र से। क्लियर नाभिक की त्रिज्या तो नीचे लिखिए नाभिक न्यूक्लियनों से नाभिक
नाभिक न्यूक्लियनों से, नाभिक न्यूक्लियनों से, न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक न्यूक्लियनों से मिलकर, नाभिक न्यूक्लियनों से मिलकर बना, नाभिक न्यूक्लियनों से मिलकर बना है, बना है। प्रत्येक प्रत्येक न्यूक्लियन का आयतन, प्रत्येक न्यूक्लियन, प्रत्येक न्यूक्लियनों का आयतन कितना होता है? अब ध्यान रखना, जो नाभिक होता है वो अक्सर कैसा होता है, गोलिया होता है, लगभग किसके आकार का होता है, गोलिया आकार का। तो जो न्यूक्लियनों का आयतन होगा, जो अपने पास गोले का आयतन होगा, वही न्यूक्लियनों का क्या होगा, आयतन। तो न्यूक्लियनों का आयतन कितना होगा अपने पास, 4/3 पाई आर क्यू, आयतन 4/3 पाई आर क्यू के बराबर बराबर होता है, बराबर होता है। यदि द्रव्यमान संख्या, यदि द्रव्यमान संख्या a हो तो, द्रव्यमान संख्या a हो तो आयतन, तो आयतन v बराबर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। और मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि जो त्रिज्या होती है नाभिक की त्रिज्या, वो r बराबर किसके बराबर बताया था, r0 a की पावर 1/3 इसके बराबर बताया था, नहीं बताया था पिछली वीडियो में, देखना कि r का मान किसके बराबर था, r0 a की पावर 1/3। तो अपने पास इसका जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, v बराबर 4/3 पाई, r किसके बराबर हो गया, r0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब। क्लियर? तो नीचे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान, नीचे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, a इंटू कितना होता है, a इंटू 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम। तो अपने पास हम जानते हैं कि आर जीरो का मान मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कितना होता है, 1.25 इंटू 10^-15 मीटर, यही तो बताया था, नहीं बताया था। तो अपने पास, तो नीचे लिखिए नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है नाभिक का घनत्व, डी बराबर एम अपोन वी, एम अपोन वी। तो D बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए अपने पास इसका मान किसके बराबर है, देखिए ये 4/3 है अपने पास, दे रखा नहीं दे रखा, तो m बटे v करूंगा तो 3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो D बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए अपने पास आ जाएगा m का मान मैं निकाल लूंगा, तो m का मान अपने पास दे रखा है, तो ऊपर चला गया 3 इंटू कितना हो गया, a इंटू कितना हो गया, 1.67 इंटू 10^-27 बटे कितना हो गया, 4 इंटू 3.14 इंटू कितना हो गया, 1.25 इंटू 10^-15। तो D बराबर जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 10^17 किलोग्राम प्रति न्यूटन क्यूब। क्लियर है कि देखिए जब अपन ने मान निकाल लिया इस सूत्र से देते हैं, फिर अपन आयतन निकाल लिया, क्यों आयतन कैसा होता है, गोली आकार का, तो गोले का आयतन कितना होता है, v बराबर नाभिक कैसा होता है, गोली है। तो ये मान निकाल लिया v बराबर कितना होगा, 4/3 पाई, और r का मान जानते हैं कितना होता है, r0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान निकाल लिया, हम जानते हैं नाभिक का घनत्व d बराबर क्या होता है, m अपॉन v। ये तो क्या हो गया द्रव्यमान, और ये क्या हो गया उसका v का मान हो गया, तो वॉल्यूम आयतन का मान हो गया। तो d बराबर निकालूंगा तो 3 का चला गया ऊपर, तो इनका जब मैं इसका मान निकालूंगा मान रख के, तो कितना आ जाएगा, d बराबर 2 × 10^17 किलोग्राम प्रति न्यूटन क्यूब। ये तुम्हारी लगभग ये यूनिट तुम्हारी फिनिश हो चुकी है। अब अगली यूनिट अगली वीडियो में करेंगे, इसको एक बार अपना